अलवर शहर के शास्त्री नगर इलाके में बुधवार रात करीब 2 बजे हथियार बंद 5 बदमाश वारदात की नियत से एक घर में घुस गए, लेकिन वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शास्त्री नगर के निवासी विकास गुप्ता ने बताया कि वह गुरुवार सुबह 5 बजे उठे तो घर के परिसर में रखे गमले इधर उधर रखे मिले तथा सामान भी बिखरा हुआ था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर भी कपड़ा ढका हुआ था। शक होने पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उनके होश उड़ गए। हथियार बंद 5 बदमाश रात को करीब 2 बजे आए और 2:30 बजे करीब दीवार कूदकर उनके घर की बाउंड्री में घुसे। घर के भीतर कुछ देर तक टॉर्च लेकर घूमते रहे, लेकिन वह किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। कुछ देर बाद वह वापस दीवार कूदकर चले गए। बदमाशों ने उनके सामने वाले घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर खंडर मकान में छुप गए। इस घटना के बाद कॉलोनी में लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में पुलिस को भी सूचना दी गई है। सुबह करीब जब हम 5 बजे उठे तो ऐसा लगा कि उठने के बाद कि कोई घर में घुसा है, हलचल है, क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी कैमरे की तो लगभग 2:45 बजे का समय था और 5 लोग थे जिनका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन अननोन लोग हैं सारे और वो घर में घुसे हैं और उनके पास हथियार भी थे। घर में बाउंड्री कूद कर वो अंदर घुस गए। उन्होंने तो ताला नहीं तोड़ा, फिर काफ़ी देर तक वो अंदर चहलकदमी करते रहे और ढूंढते रहे कुछ चीज़ें। अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश करी है दरवाजे से, पर वो अंदर नहीं घुस पाए। टॉर्च वगैरह जला के वो अंदर घुसने की ट्राई कर रहे थे, पर वो किसी कारण से अंदर नहीं घुस पाए। हथियार थे उनके पास में। फिर वो 10-15 मिनट के ये अंदर जो रहे, उसके बाद में वो वापस दीवार कूद के चल बाहर निकल गए। फिर सामने जो मकान है उसमें भी उन्होंने ताकाजागी करी है काफ़ी देर तक। फिर ये 15-20 मिनट का जो टाइम था इसमें वो पूरे एरिया में घूम के फिर निकल गए। तो अभी फिर आपने किसको सूचना दी पुलिस? सबसे पहले हमने NAB थाने में संपर्क किया और वहाँ पर कंप्लेंट की है और वहाँ से जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं।